टारगेट विद्रम सर में स्वागत है। यूपी बीएड एग्ज़ाम 2022, जैसा कि आप सभी जानते हैं यूपी बीएड के एग्ज़ाम के फॉर्म फिलअप हो गए हैं और एग्ज़ाम की 7 जुलाई यानी जुलाई फर्स्ट वीक में एक्सपेक्टेड है। तो हम लोग जान लेते हैं कि इसका न्यू सिलेबस क्या है और पेपर पैटर्न क्या है, इसको हम लोग जानते हैं। आप लोगों के बार बार कमेंट करने और पूछे जाने पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग इसे अच्छे से ध्यान से समझ लें। तो यूपी बीएड का जो सिलेबस है उसे अच्छी तरीके से समझ लेते हैं हम लोग। सबसे पहले बीएड 2022 प्रथम प्रश्न पत्र, टाइमिंग होगी इसकी 9 बजे से 12 बजे तक। क्वेश्चन इसके होंगे 100 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स होंगे 200 नंबर, यानी 200 नंबर का मार्क्स होंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। पाठ्यक्रम पूरा देख लेते हैं। सबसे पहले 50 अंक के जीके 2 पेपर होंगे, मॉर्निंग मीटिंग में 2 पेपर होंगे। सबसे पहला होगा पेपर जो 50 क्वेश्चन का होगा, सॉरी ये मार्क्स नहीं, ये क्वेश्चन जिससे जो 100 मार्क का होगा, ये 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन ये होंगे। सबसे पहले देख लेते जीके में क्या क्या पूछा जाएगा। सबसे पहले जीके में पूछा जाएगा इतिहास, राजनीति शास्त्र, भूगोल, खेल, राजनीति, सामान्य विज्ञान, उत्तर प्रदेश की जानकारी, समसामयिकी और अवार्ड। ये जीके में जो मेन टॉपिक हैं उनको मैं बता रहा हूँ, ये पूछे जाएंगे जीके में। और पार्ट का दूसरा, पहले प्रश्न पत्र का दूसरा भाग ये होगा कि अगर आप इंग्लिश मीडियम से दे रहे हैं, इंग्लिश देना, 2 भाग होंगे, इंग्लिश होगी और हिंदी होगी। तो जो हिंदी मीडियम के होंगे वो हिंदी चॉइस करेंगे सब्जेक्ट, और जो इंग्लिश मीडियम के होंगे वो अपना इंग्लिश सब्जेक्ट चॉइस करेंगे, जिसमें आप कंफर्ट हो वो आप ले सकते हैं। तो अगर आप इंग्लिश लिए हैं तो इसके लिए आपका सिलेबस होगा टेंस, इडियम, फ्रेज, वोकैबुलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, रीडिंग, कॉम्प्रिहेंशन, वन वर्ड एंड सब्स्टिट्यूशन, फिल इन द ब्लैंक्स, ये होंगे। और अगर हिंदी मीडियम के आप हैं, अगर हिंदी अपने सब्जेक्ट लिया है तो आपको सबसे पहले व्याकरण पढ़ना होगा, उसके बाद उपसर्ग प्रत्यय, अलंकार, मुहावरे, रसछंद, विलोम और गद्यांश, गद्यांश के बाद संधि, समास और फिर पर्यायवाची, और लोकोक्तियाँ भी पूछी जाएंगी, लोकोक्तियाँ। तो ये हो गया पहला प्रश्न पत्र। आइए ये प्रश्न पत्र मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, 100 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, यानी 200 मार्क्स का ये होंगे। अगला चलते हैं सेकंड पेपर पे। सेकंड पेपर भी 50-50 मार्क्स के, 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन होंगे, 2 पार्ट का होगा और 200 मार्क्स के होंगे, एक क्वेश्चन 2 मार्क का होगा। तो इसमें सबसे पहले पूछा जाएगा ये मार्क को आप क्वेश्चन समझें। 50 क्वेश्चन आएंगे जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के, यानी सामान्य अभिक्षमता के, सामान्य अभिक्षमता में सामान्य रीजनिंग में जो पूछी जाती चीज़ें हैं वो होंगी, रीजनिंग होगी, सरलीकरण होगा, कोडिंग डिकोडिंग होगा, दिशा, रैंकिंग, पजल, घन घनाभ, सीरीज संबंध और उसके बाद प्रतिशत, लाभान, छूट, चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात समानुपात, वर्ग। ये एप्टीट्यूड टेस्ट जो है पहला पेपर जो 50 क्वेश्चन होंगे, 2 भाग में बटा हुआ है, उसके 50 क्वेश्चन ये होंगे, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। फिर सेलेक्ट सब्जेक्ट जो आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है उससे क्वेश्चन आएंगे 50। तो अगर आप आर्ट स्ट्रीम के हैं तो आर्ट करेंगे, साइंस स्ट्रीम के साइंस करेंगे, कॉमर्स हैं तो कॉमर्स करेंगे और एग्रीकल्चर हैं तो एग्रीकल्चर करेंगे। टोटल मार्क्स फर्स्ट मीटिंग और सेकेंड मीटिंग की परीक्षा 2 से 5 बजे में होगी। और अगर आप इसके स्टैंडर्ड की बात करते हैं पेपर के, तो पेपर का स्टैंडर्ड 11-12 स्टैंडर्ड का ही होगा। तो आप लोग आशा करते हैं कि सिलेबस आप लोग समझ गए होंगे, आप समझ गए हो तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर मैं अपील करूंगा, अगर चैनल पर नए हैं और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और लोग जिन्हें बीएड एग्ज़ाम की सिलेबस के बारे में पता नहीं है वो अच्छे से इस समझ सकें। धन्यवाद।